गाड़ी देख लो भाई, ये है लेक्सस की UX 300E फुल्ली ईवी के अंदर भाई। लोडेड ग्रिल देख रहे हो किस तरह का डिजाइन है, लेक्सस का लोगो, कैमरा मतलब 360 डिग्री आएगा और फ्रंट में आपको जो पार्किंग सेंसर्स हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स ऑफर करे गए हैं। इस तरह का DRLs का पैटर्न, हेडलाइट्स आप देख सकते हो, 3 स्पेयर्स के अंदर जो देखने के मिलते हैं, नीचे आपको फॉग लैंप है वो देखने के लिए मिलता है, साइड में आपको इस तरह के जो लुक्स हैं वो कुछ मिलने वाले हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 18 इंच का आई थिंक जो टायर साइज़ आपको जो टायर प्रोफाइल मिलता है, इस तरह के जो साइड लुक्स हैं वो गाड़ी के होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको मिल जाएगी, लुक साइड से कुछ इस तरह के जो गाड़ी के होने वाले हैं। रियर लुक की बात करें तो रियर लुक में भाई आपको गाड़ी के पीछे भाई लेक्सस और यहाँ पे UX 300E जो लिखा हुआ है, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे की तरफ भी देखने के लिए मिलते हैं। बूट स्पेस देखते हैं भाई गाड़ी का, खुलता है तो नहीं खुल रहा भाई, तो इस तरह का जो बूट स्पेस है भाई, ओहो बटन दबा दे खुल गया, ये मेरे साथ जादू हो रहा है। तो इस तरह का भाई बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है, 60-40 स्प्लिट आपकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। आप यहाँ पे बटन दबाते हैं, देखते भाई जाएगा नहीं जाएगा, अबे हो जा बंद भाई, यहीं से ये बटन दबाया और ये पूरी बूट है जो आपकी बंद हो गई। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इसका देखने के लिए मिल रहा है और लुक्स देखो भाई, साइड प्रोफाइल इस तरह की गाड़ी होगी। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर, तो डोर इस तरह का मिलने वाला है, ये आपका सॉफ्ट टच है, हार्ड थोड़ा सॉफ्ट टच है, ये ज़्यादा सॉफ्ट टच है और यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट है और इस तरह से जो इसकी ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल्स है सारे, ओआरवीम्स के मिल जाएंगे, पावर विंडो के देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई अंदर इतनी ज़्यादा बाहर नॉइस होने की वजह से गाड़ी के अंदर भाई नॉइस पता ही नहीं चल पा रही है, इतनी नॉइस मतलब इसके अंदर कट जाती है। तो यहाँ पे बड़ा नहीं है, छोटा सा सनरूफ है ऑफर करा गया है आपके, यहाँ पे SOS बटन वगैरह सारा देखने के लिए मिलता है जो काफ़ी बढ़िया है। आपके ऑटोमेटिक ORVMs है मिल जाता है, बीच में बड़ा सा कंसोल है और एक सबसे अच्छी चीज़ कि आपको भाई वॉच है इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। टाइम बता दें तो 2 बजने वाले हैं भाई, टाइम दिखा दो भाई, 1:45 वही टाइम हो रहा है, तो इस तरह की मिलने वाले है। और भाई 3-spoke स्टेयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर ना हो तो मज़े ही नहीं आते लेक्सस का भाई। और इस तरह की भाई लेदर के अंदर पूरी ये जो इसकी स्टेयरिंग व्हील मिलती है देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सीट्स का जो कलर डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रखा गया है और देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट होने वाला है गाड़ी का और यहाँ पे आपके कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, इस तरह के तमाम फीचर्स मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स भी होने वाली है भाई, ऐसे नहीं है सीट्स भाई, प्रीमियम गाड़ी है तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी। और यहाँ पे आपको जो लेदर के अंदर ही टच है वो देखने को मिलता है, ऊपर आपको थोड़ा सा हार्ड टच, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच और यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट और यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है वो दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा है जो लेदर का यूज़ करा गया गाड़ी के अंदर। इस तरह का कंसोल होने वाला है, ऑडोमीटर, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इस तरह का देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो भाई इस तरह की सीट्स है, आर्मरेस्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। पीछे की तरफ भी आप भाई सीट्स है, काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो, आर्मरेस्ट इस तरह का मिल जाता है और स्पेस भी काफ़ी है, इसके अंदर भी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं। तो कैसी लगी भाई आपको ऑल न्यू लेक्सस इलेक्ट्रिक के अंदर, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और इसके बारे में कुछ और जानो डिटेल में सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाकी भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है जो बनाई गई है, तो देख लो भाई इस तरह की होने वाली है। चले थोड़ा सा बाहर से और लुक्स हैं इसकी गाड़ी का हम दिखा देते हैं और लोगों को मौका देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है ये भी आपको भाई सिल्वर के अंदर देखने के लिए मिल गया। फ्रंट तो लुक मैंने दिखाई दिया, इस तरह के जो लुक्स हैं वो गाड़ी के।